हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल क्राफ्टी विदुषी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैंने बैंड बनाया है यह बॉयज़ के लिए है और यह मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है। बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगा है। इसके लिए मैंने सबसे पहले 10 नंबर की सिलाई में 20 फंदे डाले। अब मैंने दूसरी सिलाई से एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरह से पूरी सिलाई उतार ली है। देखिए इस तरह से पहला फंदा सीधा, फिर दूसरा फंदा उल्टा, जैसे बॉर्डर वाली बुनाई बुनते हैं इस तरह से उतार ली। अब हम दूसरी सिलाई में जिस तरफ सीधा फंदा आएगा उधर उल्टा बुनेंगे और जिधर उल्टा आएगा उधर सीधा बुनेंगे। क्रॉस करेंगे, सीधे को उल्टा, उल्टे को सीधा। देखिए पीछे सीधा था तो हमने इस पर उल्टा बुना, अब जो सीधा है इस पर हम उल्टा बुनेंगे, उल्टे पर सीधा। इस तरह से हमारी बुनाई एक अलग तरह की गांठ सी बन जाएगी, जिसको हम लोग धनिया बुनाई भी बोलते हैं, और ये बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है। और इस तरह से मैंने दो सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब मैं पूरी पट्टी इसी तरह से बुनूंगी और 15.5 इंच का यह पूरा बैंड बना दूंगी मैं। देखिए मेरा 15.5 इंच का ये फोरहेड बैंड तैयार हो गया है। इसको मैंने स्केल से मेज़र भी कर लिया है। अब मैं इस पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करूंगी और उसके लिए मैंने इसको बीच में निशान लगाया है अपने वाइट पेन से। और अब मैं एक छोटा सा सर्कल बनाऊंगी। सर्कल बनाने के बाद मैं इसमें, मेरे बेटे का नाम यू से शुरू होता है तो मैं उसका फर्स्ट अल्फाबेट लिखूंगी, और हमारा सरनेम जी से शुरू होता है इसलिए उसका भी फर्स्ट अल्फाबेट लिखूंगी। अब एंकर का धागा लेकर मैंने लाल कलर का धागा लिया है और अब मैं इस पर एम्ब्रॉयडरी करूंगी और मैं इस पर चैन स्टिच करूंगी रेड कलर से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब ब्लू कलर के एंकर के धागे से मैं इसमें साइड में एम्ब्रॉयडरी करूंगी ताकि ऐसा लगे
कि जैसे अल्फ़ाबेट की शेडो पड़ रही है। और इस एम्ब्रॉयडरी में मैं डोरा स्टिच, एक सिंपल सी स्टिच होती है, वो यूज़ करूँगी। इस तरह से ये स्टिच होती है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। एम्ब्रॉयडरी करने के बाद जहाँ मैंने फंदे डाले थे 20 फंदे, मैं उनको फिर से उधेड़ूँगी और एक एक करके सिलाई में लूँगी। ये काम हम बहुत ध्यान से करेंगे और मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे बैंड को तो पीछे से ये एक सार आए और उस बुनने सिलने के बाद बहुत अच्छा लगे। और इस तरह से मैंने सारे फंदे एक सिलाई में ले लिए हैं और अब मैं सुई में धागा पिरोकर इन सबको जोड़ दूंगी। हम एक एक फंदा दोनों सिलाइयों से लेंगे और उसमें से सुई से निकालते रहेंगे। और अब हमारा पूरा बैंड जुड़ गया है। अब मैं इसको धागे को पक्का कर दूंगी इस तरह से नोट लगाकर, और ये धागे छुपाने के लिए मैं सुई में धागा पिरोकर इस तरह से इन दोनों धागों को छुपाकर और एक्स्ट्रा धागे को काट दूंगी। Thank you.
और इस तरह से हमारा यह बैंड तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।